हम नाकाम आशिक थे, नाकाम आशिकी में फिर नाकाम होते रहे और फिर शायरी का फिर आगाज हो गया, पता ही नहीं चला। क्या बात, तो ये जो आपके अंदर का आशिक था वो उसके इंकारी के बाद मर गया? नहीं, अभी भी कभी कभी, अब जिस तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कभी कभी वो आज भी, वो जो है एक कीड़ा, वो आज भी उठता है कभी कभी, है अभी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कम लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, कम लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, तेरे आने वालों के लिए मैंने रास्ता छोड़ दिया। अरे लड़कियां तो इश्क में कितनी पागल होती हैं, एक फोन बजा तो चूल्हा जलता छोड़ दिया। अरे तुम क्या जानो इस दरिया दिल पे क्या गुजरी, अरे तुमने तो पानी भरना छोड़ दिया, अरे तुमने तो पानी भरना छोड़ दिया। एक और शेर यूनिवर्सिटी का शेर है, यूनिवर्सिटी के बारे में, इसमें हर एक करेक्टर है। एक लड़की लालपुर की जो बनी है मस्त सुरूर की, हर बात पे जुगत लगाए, एक लड़का है गुजरात का, ऊंचा लंबा जट जात का, आंखों से रोब जमाए, एक सख्त पढ़ाकू बाल का, ये हाल है उसके हाल का, दिन रात किताबें खाए, एक ऐनक वाली सोनी, ये तमाम ऐनक वालियों के नाम, एक ऐनक वाली सोनी भोली भाली पीती रहती है चाय, पीती रहती है। एक गोरी है लाहौर की, सुनती ही नहीं किसी और की, क्या कोई शेर सुनाए, एक लड़का है कश्मीर का, जैसे मिस्रा मीर का, बस राग पहाड़ी गाए, एक नथली वाली नार है, लड़ने को तैयार है, घूरे धमकाए डांटे दो जुड़वा बहने गौरियां, एक शक्ल की दो दो छोरियां, एक जाए और एक आए, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे उस्ताद हैं, ये सब चेहरे उनको याद हैं, बचकर कौन जा पाए, मेरी रब से यही अर्ज है, जो मोहब्बत सब पर फर्ज है, ये फर्ज अदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। क्या बात, कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से। लाहौर से तो बड़े स्टाइल में, शायराना स्टाइल में गाते हो। क्योंकि शायरी से बड़ी मोहब्बत है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, शायरी कर रहा हूँ और खुद अपने बाकायदा तौर पे अपनी भी लिखता हूँ शायरी। फिर इतनी उर्दू कहाँ से निकल आती है? ये बस एक मोहब्बत है, क्योंकि हम आशिक बंदे हैं और टूटे हुए लोग हैं, तो शायरी से वैसे मोहब्बत है और उर्दू की डिक्शनरी को वैसे बंदा जान पड़ताल करता रहता है। क्या बात, जान पड़ताल। पहली दफा मोहब्बत का शिकार कब हुए? मोहब्बत का शिकार तो एक छोटी उम्र में हो गया था, जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था, तो क्लास की एक लड़की से मोहब्बत होगी। फिर क्या बना उसका? बना क्या था, ट्राई तो बहुत की कि किसी भी तरह सेट हो जाए, मगर कहाँ, हम नाकाम आशिक थे, नाकाम आशिकी में फिर नाकाम होते रहे और फिर शायरी का फिर आगाज हो गया, पता ही नहीं चला। क्या बात, तो ये जो आपके अंदर का आशिक था वो उसके इंकारी के बाद मर गया? नहीं, अभी भी कभी कभी, अब जिस तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कभी कभी वो आज भी, वो जो है एक कीड़ा, वो आज भी उठता है कभी कभी, है अभी। अच्छा, कितने दफा मोहब्बत का शिकार हुए? शायद लोगों को तो चलते फिरते मोहब्बत हो जाती है, इनका कोई एतवार नहीं। आपको कितनी दफा मोहब्बत? मुझे तो कई बार, गालिबन कोई 3-4 मरतबा मोहब्बत हो ही गई है। कभी मिली आपको मोहब्बत? मिली तो नहीं है, आज तक नहीं मिली। ये आपके शेर सुन के भाग जाती होंगी? लगता तो इसी तरह है, मैं शेर सुनाता रहता हूँ, लगता है वो भाग ही जाती हैं सब। कोई आपको चाहने वाली, प्यार करने वाली देख रही है, क्या उसे सुनाऊंगा? मैं उसे यही कहूँगा कि जो मुझसे मोहब्बत करती है, कि खुदारा मुझसे मोहब्बत कर लो, मैं बहुत अच्छा शख्स हूँ, मैं तुम्हारे लिए कई नाम, तुम्हारे पे कई गज़लें तुम्हारे नाम कर दूंगा और कई नज़में तुम्हारे नाम कर दूंगा। लोग प्रॉपर्टियां नाम करते हैं, गाड़ियां नाम करते हैं, आप गजलें नाम कर रहे हो, है ये क्या बात है? असल गाड़ियां और प्रॉपर्टी हर बंदा दे सकता है, मगर हम जैसे आशिक बंदों से, शायर बंदों से सिर्फ उसी के नाम पे नज़में और गजलें ही उसे मिल सकती हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए कोई आपके साथ सेट नहीं होती? यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है, सेट इसी वजह से कोई नहीं होती मेरे साथ।
यही मसला है, उन्हें शॉपिंग चाहिए, चीजें चाहिए, तुम नज़्म गज़लें दे ही जा रहे हो उन्हें। बस यही चीजें हैं भाई। हाँ बस अब इंशाल्लाह करेंगे कुछ ना कुछ बेहतर, हाँ कुछ कमाएंगे। शायर हमेशा गरीब क्यों रह जाता है? ये तो मुझे खुद भी कंसेप्ट समझ नहीं आता, शायर हमेशा गरीबी में मर जाता है। जिस तरह बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं वो गरीबी में मर गए हैं, और शायर बंदा गरीब ही होता है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, शायर बंदा गरीब ही होता है। कभी अम्मी से मार पड़ी है शायर को? अम्मी से तो कई बार पड़ी है कि अक्सर कभी मैं शायरी लिख रहा था तो अम्मा जान कहती छोड़ दो इस काम को, तुम पढ़ लो ताकि तुम्हारे लिए वो फ्यूचर में बेस्ट होगा। मैं क्या, अम्मा जान क्या करें, अब मोहब्बत 2 से 3 मरतबा कर ली है, नाकाम हो गए। पता चला शायर बनोगे? ये तो 9वीं जमात में पता चल गया, पहला शेर 9वीं जमात, 8वीं में प्यार हुआ, 9वीं में पता चल गया शायर बनूंगा। हाँ शायर बनूंगा बस इसी तरह। अच्छा, जो प्यार करती है अगर देख रही हो, उनके नाम कौन सी गजल शेर कहना चाहोगे? मेरे इश्क को तुम माले गनीमत समझकर लुटा ना देना, लगेगी मेरे इश्क की बोली और तुम लगा ना देना। होए होए होए, अभी तो वो सुरूर आ रहा था, खत्म भी हो गया। आप किसी नवाब फैमिली से पीछे? नहीं नहीं, हम एक सदात फैमिली से ताल्लुक है, तो ये वाली साहब एक इल्मी ताल्लुक शख्सियत ताल्लुक हैं, तो इसी वजह से मुझे भी वो मिला है कि ताकि मैं भी लिखता रहूं। वाली साहब खुद एक पमिस्टर हैं, इल्मुल अदाद है, इल्मुल नुजूम है, उनके पास अलूम जानते हैं, तो बस वो भी लिखते हैं अपनी किताबें, तो मुझे भी शौक हुआ तब से, और मैं भी अब मोहब्बत में भी नाकाम था, शायरी में भी नाकाम हो गई। शुक्रिया आपका कि आपने आकर जो है वो हमें शेर सुनाया और इंटरटेन किया। तो इसी तरह लिखते रहिएगा, लड़की मिले ना मिले, इश्क मिले ना मिले, नज़में मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, चले जी, ये सैयद मुबीन शौकत साहब, और एकदम जो है अचानक से ये 8 हफ्ते रोड शो करते हुए, और बड़े मुनफरद अंदाज से जो इन्होंने आज के दौर में, मतलब आज के दौर में इस तरह के शायर और इतने साइज के शायर मिलना जो है वो बहुत नामुमकिन बात है, लेकिन हमें ये मिल गए और हमें ये बहुत अच्छा लगा इनकी शायरी शुरी सुन के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।